इंटरबैंक में डॉलर की फिर ऊंची उड़ान, डॉलर 2.48 रुपए मजीद महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 149 में फरोख, स्टॉक मार्केट भी लड़खड़ा गई। तारीखी मंदी, 100 इंडेक्स में 900 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। बलोचिस्तान की ऑपोजिशन जमातों की अपील पर क्वेटा में शटडाउन हड़ताल, तमाम कारोबारी इदारे बंद। ऑपोजिशन जमातों का कहना है कि हुकूमती नाहली के बायस तरक्याती फंड्स लैप्स हो रहे हैं, बदअमनी इंतहा पर है, मौजूदा हुकूमत अवामी हिमायत खो चुकी। ऑरेंज ट्रेन का सिविल वर्क मुकम्मल करने की डेडलाइन में 3 दिन बाकी, ठेकेदार ताहाल, 100% सिविल वर्क मुकम्मल न कर सके। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से मजीद वक्त लेने के लिए अपील में जाने को तैयार। नॉर्वे के सफीर की कौमी दिन पर अपने शहरियों को मुबारकबाद, दोनों मुल्कों के माबैन ताल्लुकात के फरोग के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। शेल्बनॉर एरिक्सन ने 24 न्यूज से खसूसी गुफ्तगु में कहा कि नॉर्वे की तरक्की में पाकिस्तानियों का किरदार अहम है। लड़कियों को मोबाइल फोन देने का नुकसान, हालांकि 13 साल युसरा राधनपुर के आमिर को दिल दे बैठी, अदालत में निकाहनामा पेश कर दिया। अदालत ने लड़की को दारुल अमान और लड़के को जेल भेज दिया, 20 मई को दोबारा पेश करने का हुक्म। और मुल्तान सक्कर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, सैकड़ों फीडर ट्रिप कर गए, बिजली की सप्लाई मौतल रही। जनूबी वजीरिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी, मकान के छत गिरने से खातून जान बहक। कराची के इलाके मोमिनाबाद से पुलिस ने 22 मुकदमात में मुलव्वस दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया है। आशिक और भोलू का ताल्लुक लियारी गैंगवार से बताया गया है। दहशतगर्द के खिलाफ कत्ल और पुलिस मुकाबलों समेत 22 मुकदमात दर्ज हैं। अहम कार्रवाई की गई है। कराची का इलाका मोमिनाबाद से पुलिस ने 22 मुकदमात में मुलव्वस दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। दानियाल सैयद हमारे साथ मौजूद है। दानियाल बताएगा, अहम कामयाबी मिली पुलिस को? जी देखिए, बिल्कुल हैदर, कराची के इलाके औरंगी टाउन मोमिनाबाद इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कार्रवाई की है और 22 मुकदमात में मतलूब इंतहाई खतरनाक दहशतगर्द है जिसे गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दहशतगर्द आशिक उर्फ भोलू का ताल्लुक लियारी गैंग वॉर से है और दहशतगर्द जो है वो कराची ऑपरेशन के बाद से पहले से साल 2013 से जो है वो मफरूर था। और पुलिस हुकाम का ये कहना है कि गिरफ्तार दहशतगर्द के खिलाफ कत्ल, इकदाम कत्ल, पुलिस मुकाबलों समेत 22 संगीन मुकदमात हैं जो इस दहशतगर्द के खिलाफ दर्ज है। इस गिरफ्तार दहशतगर्द के कई साथी कुछ माह कबल पुलिस और रेंजर्स मुकाबलों में मारे जा चुके हैं, जबकि दहशतगर्द के तफ्तीश के दौरान 7 अफराद को अगवा के बाद कत्ल करने का भी एतराज किया गया है। ठीक है दानियाल सैयद, साथ ही देगा।